मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुरान मजीद पूरे दुनिया में मुसलमान इसको अपनी मुकद्दस किताब समझते हैं। ये हाई कोर्ट की रूलिंग पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ रूलिंग बताकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो मैं चाहता हूं सब लोग यहां से जाएं तो सुनकर जाएं। वो क्या कहते हैं, कोर्ट डज नॉट हैव कुरान एज ए बेसिक टेक्स्ट बुक ऑफ रिलीजन, इट इज सिमिलर टू बाइबल, गीता, रामायण एंड महाभारत, एंड कोर्ट डज नॉट हैव अथॉरिटी टू रूल ओवर इट। कहते हैं कुरान मजीद गीता रामायण की तरह है और कोर्ट को यह इख्तियार नहीं है कि मजहबी मामले में, साइंसी मामले में और फिलॉसफी के मामले में अपनी मुदाखलत करे। कोर्ट ने कह दिया। दो बात और आगे वो कोर्ट कहता है, पॉइंट नंबर 10 में बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं जिसने ये एतराज किया है कि कुरान मजीद में माज अल्लाह जिहाद और हिंसा की आयतें हैं, ये कोर्ट की रूलिंग है। He said that the verses has been quoted by the petitioner out of the context. कहता है जिन आयतों को पेश किया गया है वो सांपों से बाघ से अलग है, उनका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नफरत के लिए पिटिशन और उसको निरस्त कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। तो ये हम जाने कि इससे पहले भी हुआ था और बंगाल गवर्नमेंट ने इसका जवाब दिया और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल गवर्नमेंट के साथ हो गई थी। और ये कहा कोर्ट ने कि इस शख्स ने 295A का सहारा लेकर ये अर्जी दी है, यानी लोगों के बीच में नफरत बढ़ाना। तो हम कहते हैं कि ये इसके खिलाफ वापस मुकदमा हो। कोर्ट कह रहा है कि इसने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।